नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे जहरीले नाग और नागिन किसी भी पार्टी में होंगे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने पार्टी से तुरंत निष्कासित करना चाहिए, फिर चाहे वो हमारी ही पार्टी में क्यों ना हो। हमें सबको इस देश में प्यार और मोहब्बत से मिलकर गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाते हुए देश को बुलंदियों पर लेकर जाना है। ये हम उनके इस फैसले को अच्छा समझते हैं और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ये जरूर है कि देर आए दुरुस्त आए, जैसा उन्होंने बयान दिए हैं सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इस बात का एहसास होने लगा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कितनी बेइज्जती की जा रही है। बीजेपी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना को लेकर गाजियाबाद के वैशाली वसुंधरा इलाके के लोगों और कई सोसाइटी के लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वह इस दौरान जीडीए की रोपवे परियोजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ये परियोजना महज पैसों की बर्बादी है और इस इलाके में रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग दिल्ली और नोएडा जाते हैं। उनकी मांग है कि रोपवे परियोजना की जगह इलाके में मेट्रो योजना का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे वहां के लोग मेट्रो की परियोजना का लाभ उठा सके। और मैं यहां वसुंधरा में रहता हूं और काफी लंबे समय से वसुंधरा के अंदर अनेक सामाजिक मुद्दों को लगातार हम उठा रहे हैं। तो क्या कुछ वजह है इसके पीछे, मेट्रो विस्तार का विरोध क्यों किया? ये जो यहां पर अनशन भूख हड़ताल और प्रदर्शन और धरना यहां पर दिया जा रहा है, इसका मकसद है वैशाली मेट्रो स्टेशन को मोहन नगर मेट्रो स्टेशन से जुड़वाना और नोएडा मेट्रो स्टेशन को मोहन नगर तक जुड़वाना और वसुंधरा और साहिबाबाद में एक नए मेट्रो स्टेशन का निर्माण कराना, जिससे लगभग 30 से 40 लाख की जो आबादी है जो इस समय ऑटो से मोहन नगर वैशाली के बीच में जा रही है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ कस्बा अंतर्गत छतहरी निवासी की लाश उनके गांव पहुंचने से कोहराम मच गया। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के छतहरी गांव के 6 लोग दिल्ली कमाने गए थे, जहां दुकान पर खाना बनाते समय सिलेंडर की पाइप फटने से चाचा और भतीजे की मौत हो गई। वही आगजनी घटना में 4 लोग जलकर घायल भी हो गए। वही इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विधायक विनय वर्मा ने मृतक परिजनों और अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने स्तर और शासन स्तर से भी मृतक परिजनों और घायलों की मदद करने की भी बात कही है। बदायूं थाना कोतवाली में खुद को दरोगा बताने वाले नकली दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दरोगा बनकर ठगी करते हुए एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने धर दबोचा। वही नकली दरोगा चेकिंग के नाम पर चालान करने की धमकी देकर लोगों से पैसों की वसूली भी कर चुका है, जब पुलिस की गिरफ्त में है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही आरोपी है जो नकली दरोगा बनकर लोगों से ठगी करता था और जबकि बीते दिनों इसने लोगों को धमका कर भी लोगों से चालान के नाम पर रुपयों की वसूली भी की है। तो ये खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां असली पुलिस की कार्रवाई से ठगी करते हुए नकली दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये वही युवक है जो चेकिंग के नाम पर लोगों से पैसों की वसूली करता था और बीते दिनों इसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। वहीं ये कुछ ऐसी ही वारदात इस बार भी अंजाम दे रहा था, जबकि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस आरोपी को धर दबोचा और इसको पुलिस के हवाले भी कर दिया है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एक नकली दरोगा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बताते चले कि ठगी करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
मथुरा थाना गोबिंद नगर इलाके में स्थित जगन्नाथपुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां रहने वाले एक दंपत्ति का शव कमरे में पड़ा मिला, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक दंपत्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जब ये घटना हुई तो उस वक्त बच्चा दूसरे कमरे में सोया हुआ था, जिसने गोली की आवाज सुनते ही जब दूसरे कमरे में जाकर देखा तो उसके माँ बाप को गोली लगी हुई थी। ये पति पत्नी का संदिग्ध शव है जिनकी डेथ हो चुकी है, इनमें दोनों को गोलियां लगी हैं और जो प्रथम दृष्टया लग रहा है और देख के समझ में आ रहा है वो ये है कि संभवतः पति द्वारा पहले पत्नी को मारा गया है, क्योंकि इनके पास लाइसेंसी वेपन है, 32 बोर की लाइसेंसी वेपन भी वहीं पड़ी हुई है घटनास्थल पे। फॉरेंसिक टीम हमारी आई है, वो जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया इनके जो CCTV लगे हैं घर में उसकी भी हम लोग अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र में गांव मकरोनिया निवासी मनोज कुमार के यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसके चलते उसने मनोज से अवैध शराब बेचने को लेकर विरोध किया। इसी को लेकर अवैध शराब कारोबारी पुरानी रंजिश मानते हुए आयोजन में जाकर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली मनोज को लगी और दूसरी गोली किसी और व्यक्ति को लगी। फायरिंग के बाद सही आरोपी मौके से फरार हो गया और फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस घटना में इलाज के दौरान एक की मौत भी हो गई है और एक घायल का इलाज जारी है। थाना गोंडा क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई लगभग 9:30 के बीच में कि वहां के सरगोरिया गांव जो है वहां पर ये दो व्यक्ति का नाम अब तक प्रकाश में आया है, वीरेंद्र और होशियार सन ऑफ करुआ, इनके द्वारा हमलावर होकर के जो इनके उसी गांव के रहने वाले मनोज हैं इसके ऊपर फायर किया गया। मनोज को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया है, उसको मृत घोषित किया गया है। इस संबंध में अभी थोड़े ही समय पहले की यह घटना है, मौके पर तुरंत पुलिस को रवाना किया गया है और वहां पर जो वैधानिक कार्रवाई है वो प्रचलित कर दी। इस इलाज के दौरान एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हरदोई के भगौली थाना क्षेत्र में महिला ने एक तथाकथित पत्रकार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसके बाद थाने अध्यक्ष हरिश्याम वाजपेयी नाम के पत्रकार को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। जब पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो युवक ने खुद को प्रेस क्लब का अध्यक्ष बताया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एक महिला की शिकायत पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उससे गहन पूछताछ भी की गई। वैसे पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वो प्रेस क्लब का अध्यक्ष है। बदायूं में कुछ दिन पहले हुई लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई से थाना अलापुर और बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान पुलिस ने ककराला से 68 और अलापुर में 49,000 में हुई लूट की खुलासा करते हुए दो शातिर अंतरजनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 80,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा और 4 कारतूस भी बरामद किए हैं। तो आपको खबर हम इस वक्त बता रहे हैं जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान पुलिस की टीम को खुलासा बहुत बड़ा किया गया है, जहां पर अंतरजनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। बदायूं में विभिन्न तिथियों में थाना सिविल लाइंस और थाना आलापुर और उसावा के अंतर्गत लूट हुई थी, लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें हमारी जो SOG की टीम है और इन तीनों थानों की टीमें लगी हुई थी और ये SOG टीम ने इसमें पतारसी सुरागरसी करके इस गैंग को क्रैक किया इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और इनकी गिरफ्तारी की गई है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो